हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीताज किचन। सो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं मेथी के पराठे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। अभी तक मैंने इस मेथी को काटा नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है। और इसको काटने के बाद लेना है गेहूं का आटा और उसमें डालना है कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, इसी के साथ इसमें जाएगा जीरा और इसी के साथ इसमें डालना है कोरिएंडर सीड्स। इसके बाद इसमें डालना है अजवाइन, इसके बाद इसमें जाएगी हींग एंड देन आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद इसमें डालनी है हल्दी और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक एंड देन इसमें ऐड करना है लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद इसमें डालना है कटा हुआ धनिया और लास्टली इसमें डालनी है मेथी। इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है और इसके बाद इसको इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। एंड देन पानी डाल के इसको गूंद लेना है। सो आटा अब गूंद चुका है, इसकी अब एक लोई बनानी है और एक रोटी बना लेनी है। तो अब ये पराठा बन चुका है। इसके बाद एक तवा गरम करना है और इस पराठे को ऑयल के साथ सेक लेना है। तो पराठा अब ये सिक चुका है और ये बनके तैयार है। आप इस तरीके के पराठे को सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर दही के साथ। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सीताज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।